मैं हूँ जया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। फॉर द डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि उनको न्यू अपडेट्स मिलता रहे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी हीना मेहंदी करती हूँ अपने बालों में लगाने के लिए, और वो काफ़ी इफेक्टिव है। आपके हेयर को एकदम स्मूथ कर देता है और वो अच्छी तरह से ग्रोथ भी होती है आपके हेयर्स की। तो आप वो अगर यूज़ करोगे तो आपको भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सो गाइस, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ हीना मेहंदी, जो है खादी का, ये आप देख सकते हो। गाइस, मैं खादी का बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, लाइक शैम्पू, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, टोनर, और ये काफ़ी अच्छा है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो आप भी यूज़ करके देख सकते हो, आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये मैंने दो तीन बार यूज़ कर लिया इसीलिए ओपन है, मैंने यहाँ पे क्लिप भी लगाया, और ये मुझे ऑफ़र प्राइस में मिला था। मैं आपको दिखाती हूँ, इसका एक्चुअल रेट है 60 और ये मुझे ऑफ़र प्राइस में 55 का मिला था, ये आप देख सकते हो। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप केवल मेहंदी ना लगाएं, आप इसमें कुछ ऐड करके लगाओ जिससे आपके बालों का ग्रोथ भी होगा और आपके बाल सिल्की और सॉफ्ट भी होंगे। तो मैंने हेयर वॉश कल ही कर लिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मेहंदी यहाँ पे निकाल ली, आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ही निकाल ले आपको जितना लगाना हो। तो मैं इसमें वाटर ऐड करके इसे थोड़े टाइम के लिए सोक्ड होने के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सोक्ड हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे ये मेरा पेस्ट तैयार है, मैंने इसको हाफ एन आवर के लिए सोक करके छोड़ दिया था, और ये आप देख सकते हो इतना स्टिकी सा है ये। आपको इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है, अगर आप इसे ज़्यादा थिन करोगे तो ये आपके सर से गिरते रहेगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं बताती हूँ कि आपको इसमें वो मेन इंग्रेडिएंट क्या है जिससे आपके बाल सॉफ्ट और सिल्की होंगे। सो गाइस, इसमें आपको मिलाना है ये विटामिन ई का कैप्सूल, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके बालों के लिए। और अगर आप ये ना मिलाओ तो आप इसमें कर्ड मिला सकते हो। मैं दोनों इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। मैंने जब लास्ट टाइम यूज़ किया था तो मैंने इसमें कर्ड मिलाया था, उससे भी बाल काफ़ी अच्छे सिल्की और स्मूथ हो गए थे। तो और इस बार मैं ये विटामिन ई का कैप्सूल मिलाऊँगी इसमें। इसको भी मैंने यूज़ किया है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो अगर आपके बालों का ग्रोथ मेरे बालों से भी ज़्यादा लंबे हैं तो आप इसमें दो कैप्सूल यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके हेयर का ग्रोथ जो है वो शॉर्ट है तो आप इसमें एक कैप्सूल यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, और मैं आपको इस कैप्सूल के बारे में भी कुछ बता, विटामिन ई के कैप्सूल को फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये जो जितना भी है ये रो, ये सारे खाली हो चुके हैं, क्योंकि मैं अपने इसको फेस में भी यूज़ करती हूँ और उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। आप इसको एलोवेरा जेल के साथ लगा सकते हो मिक्स करके, आप इसको कोकोनट ऑयल के साथ मिला के लगा सकते हो, और अगर आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। आप इसको नाइट में यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देता है आपको, तो आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, मैं इसमें इसकी दो कैप्सूल मिलाऊँगी, आप देख सकते हो। अब इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। सो गाइस, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, या आप अगर खुद कैपेबल हो तो आप लगा सकते हो खुद से भी। सो गाइस, यहाँ पे आपको अपने बालों का सेक्शन करना है कुछ इस तरह से। उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो आप अपने बालों को अच्छी तरह से। उसके बाद पहले आप एक साइड लगाओ, उसके बाद आप दूसरी साइड। तो आप एक साइड को अच्छे से
रोल करके आप इसमें क्लेचर लगा लो, ये फिर अब आपको दूसरे साइड में क्या करना है, आपको इसमें से थोड़ा थोड़ा पार्टीशन लेना है और फिर उसमें मेहंदी को अप्लाई करना है। आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो, बट मैं हाथों से ही लगाऊंगी। आपको इसको अच्छे से पूरे बालों में इस तरह से अप्लाई कर लेना है। गाइस मेरी जो हेयर है वो कर्ली है, तो मैं मेहंदी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसीलिए ये थोड़ी स्ट्रेट तो नहीं बोल सकती, बट ये पहले से अब थोड़ी ठीक है। आपको इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, अगर आपके हेयर कर्ली है ना तो आप इससे अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हो। आपको कुछ इस तरह से लगाना है, ऐसे एकदम स्ट्रेट। आप इसी तरह आपको पूरा छोटे छोटे बालों के सेक्शन लेने हैं और उसमें मेहंदी को अप्लाई करना है। गाइज ये वाली जो हीना मेहंदी है ना, इसको आप हाथ में मेहंदी लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी ये बहुत अच्छा कलर आता है। मैं आपको दिखाऊंगी मेरे हाथों का कलर जब मैं पूरा मेहंदी लगा लूँगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कितना अच्छा कलर देता है। तो ये हो गया, सो गाइज इसी तरह मैं अपने पूरे बालों में इसे लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो गाइज ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब मैं उसी तरह इधर भी अप्लाई करूँगी मेहंदी को अच्छे से। गाइज उससे पहले मैं आपको अपनी हाथों को हाथ से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, मैंने हाथ से ही लगाया था मेहंदी को, और ये आप देख सकते हो इतनी जल्दी इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो आप इसको एज अ हैंड मेहंदी के तरह भी यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा होगा। और आप एक बार ये मेहंदी ज़रूर यूज़ करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। तो मैं ये इधर भी अप्लाई करती हूँ उसके बाद। सो गाइज मैंने पूरे अपने बालों में अच्छे तरीके से मेहंदी को लगा लिया है, तो अब मैं इसे कम से कम एक घंटे तक ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपके सर पे ऐसा कुछ लगा है तो आप उसको हटा देना, अदरवाइज ये कलर आ जाएगा फिर आपके फेस पे। सो गाइज अब आपको इसे 60 to 1 hour तक सूखने के लिए छोड़ देना है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको नेक्स्ट जो है वो क्या करना है। सो गाइज ये अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, तो अब मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। डू नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ शैम्पू और कंडीशनर, ओनली यूज़ नॉर्मल वाटर। तो मैं वॉश कर लेती हूँ उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइज मैंने हेयर वॉश कर लिया है, तो अब हम अपना सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप करेंगे। तो आपको अपने बाल को पूरा ड्राई कर लेना है, उसके बाद आपको इसमें ऑयल से मसाज करनी है और फिर इसको ओवरनाइट तक छोड़ देना, और फिर दूसरे दिन शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना है, उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज है day 2 और मैंने कल ही अपने बालों में ऑयल लगा लिया था और आज मैंने हेयर वॉश किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ और स्क्रीन पे भी मैं आपको पिक शेयर कर दूँगी कि मेरे बाल कितने शाइन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। गाइस ये देखिए कितना अच्छा शाइन कर रहा है, ये आपको since my head